stop pretending that I wanted this to happen. I could just say it, say how I feel now, but my tongue is like a wall, keeping words safe in my heart. I can never say that. It's 4:30 in the morning. कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा आगे चल के बताते हैं. आप कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. So let's go for now. राम राम सारन है और ठीक हो सारे. उम्मीदें सारे ठीक के होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे. विदाउट मेकिंग एनी सस्पेंस बता दिया जा रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ. अपन जा रहे हैं लेंस डाउनी. हाँ जी, कुछ लोग इसको लेंस डाउन भी कहते हैं, लेंस डाउन भी कहते हैं एग्जैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो अपन निकल चुके हैं लेंस डाउनी के लिए लगभग 7 से 8 घंटे, और मे भी जहाँ तक मैं अपना एस्टिमेट लगा के चल रही हूँ कि अपने को वहाँ पहुँचने में टाइम लगने वाला है. सो वो तो जितना भी टाइम लगेगा आप लोगों को पता चलेगा. बने रहे वीडियो में. It's 2:00 in the noon और 1 से 1.5 घंटा पहले मैं यहाँ पहुँच चुकी थी, बट रहने के लिए जगह इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी लाइक जो अपने को चाहिए. बट सो फार सो गुड, जैसी जगह चाहिए थी एग्जैक्ट वो मुझे मिली है. क्लीन हाइजेनिक रूम और एक बढ़िया व्यू के साथ जो अपने को चाहिए होता है. अगर आप पुराने व्यू रहता है डैम श्योर आपको पता है कि अपने को ऐसा रूम चाहिए होता है जिसका व्यू अच्छा हो, शानदार लुक हो. तो फाइनली अपने को वो चीज़ मिल चुकी है, बस चेक इन करना है. रूम की क्लीनिंग चल रही है, 10 से 15 मिनट बाद अपन चेक इन कर लेंगे. लगेज पहुँच रहा है अपना. सो पहुँच के भूख बहुत लग गई, बस पेट पूजा करके फिर एक्सप्लोर करते हैं अपनी जगह को. चेक इन करके सबसे पहले अपने लंच किया बिकॉज भूख बहुत ज़्यादा लगी थी. ब्रेकफास्ट बहुत लाइट किया था मैंने. उसके बाद अब ये था कि जहाँ भी पहुँचा जाए रहने की जगह जो होगी अपनी, फटाफट से जाके पहले पेट पूजा करनी है. और फाइनली जब ये जगह मिली चेक इन करके, फर्स्ट जो अपना काम था पेट पूजा, बिकॉज एज वी ऑल नो पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा. और पेट पूजा के बाद जब यहाँ का व्यू देखा जिस चीज़ के लिए मैंने ये लिया था, और शांति मिली मुझे. इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना बढ़िया वेदर है, बहुत प्लेजेंट वेदर हो चुका है. आए थे जब तो बहुत एकदम से मतलब धूप थी, बहुत ब्राइट सनी डे था उस टाइम पे. अब थोड़ी देर बाद जैसे भगवान जी को पता चला अपने यहाँ पहुँच गए हैं तो बरस गया अपने ऊपर मौसम, बड़ा खूबसूरत कर दिया है. सो हैव अ लुक. मिनट के बहुत बढ़िया और पावरफुल नैप के बाद अभी अपन निकल रहे हैं कि मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए. सो फॉर नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो एंड चेक आउट द मार्केट. मार्केट से जस्ट थोड़ा सा पहले यहाँ पे आर्मी का स्टे है. काफ़ी भारी तादाद में हमारी आर्मियाँ रहती है और उनके जो रहने की जगह है वो इतनी सुंदर बना रखी है कि बहुत बढ़िया, जो कि वो लोग डिज़र्व भी करते हैं. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. और यहाँ पार्क है, कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे. एक चीज़ जो अपने साथ हमेशा होती है व्लॉगिंग टाइम पे, वो भी ऐसी जगह है जो इतना पब्लिक प्लेस होती है कि आप कैमरा लेके जब ऐसे व्लॉग करते हो तो सब ऐसे देखते हैं जैसे आप पता नहीं क्या कर रहे हो, कोई बम बारूद फोड़ रहे हो, देखो पीछे जस्ट तेरी की. बट ऑल आई कैन डू इज़ विश कि आने वाले कुछ टाइम में अपना इंडिया इतना डेवलप करे यूट्यूबिंग में कि जब कोई भी यूट्यूबर व्लॉग अपना बनाए तो लोग इतना वियर्ड फील ना कराएं. सो होप फॉर द बेस्ट. Like we're still all good. You know I miss you the most when I'm lonely.
यहाँ पे कुछ चीज़ें में भी पॉपुलर हैं खाने पीने की, तो अभी मैं वही ढूंढ रही हूँ। तो बात करते हैं यहाँ के लोकल जो लोग हैं, और एक दो अंकल जी मुझे यहाँ मिले तो बड़ा मन किया कि इनसे बात करें, इनसे पूछ जाए। तो पहले तो नमस्ते अंकल जी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ यूट्यूब के लिए, मैं वो वीडियो ही शूट कर रही हूँ अपना यहाँ का। तो यहाँ पे क्या कुछ खाने का ज़्यादा पॉपुलर है? अपना नाम बताओ। मेरा नाम सोनिया है। मैं ये कह सकता हूँ कि तुम बहुत सुंदर लड़की हो। ओह थैंक यू सो मच, ये चीज़ हम वीडियो में ज़रूर रखने वाले हैं तारीफ की बात आ रही है अपनी हाँ जी थैंक यू सो मच। यहाँ पे खाने का क्या कुछ पॉपुलर है वैसे? आम चीज़ें नॉर्थ इंडिया में जो कुछ मिलता है। अच्छा। समोसे मिलेंगे, टिकिया मिलेंगे। नहीं कोई एक जगह की, जैसे कोई एक शॉप की कोई पर्टिकुलर चीज़ कुछ पॉपुलर नहीं है? अरे इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट कोई बात नहीं, इनसे बात करके मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बड़े खुश मिजाज लगे मुझे। थैंक यू सोनिया उडाकर के मेरा यूट्यूब चैनल आप वीडियो में आएंगे ज़रूर देखना। ठीक है ओके बाय फॉर नाउ। कई बार जब ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो दिल बड़ा खुश हो जाता है, लगता नहीं है किसी स्ट्रेंजर से आप मिलते हैं, बड़ा दिल खुश कर दिया। अरे मज़ा आ गया जी सा जमा। भैया जी नारियल पानी है क्या? नहीं अफसोस नहीं मिला यहाँ भी, पीछे से दो तीन बार मैं पूछ चुकी हूँ बट अपने को नारियल पानी कहीं नहीं मिल रहा है। अपने को चाहिए तो वही चाहिए बस। कुछ यहाँ का लोकल फूड जो थोड़ा बहुत पॉपुलर था वो अपन ट्राई करके अभी चल दिए हैं वापसी के लिए। और मैंने अपना डाइट का सामान ब्राउन ब्रेड और कुछ फ्रूट्स लिए हैं अपने लिए, बिकॉज डाइट इज मस्ट। चेक इट्स 8:30 इन द नाइट, हवा बहुत ठंडी चल रही है, मतलब तबाही एंडी एकदम जहर बोले तो जहर।